हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू सैनी आप सभी का हमारे चैनल क्लासरूम वाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, नवरात्रे इन दिनों चल रहे हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको ईश्वर की मुस्कान के बारे में लिए चलती हूँ। मुस्कान का जादू ऐसा होता है जो व्यक्ति को न सिर्फ सफलता के पड़ाव पर पहुँचा देता है, बल्कि उसके जीवन को भी बेहद खुशहाल बना देता है। और हम हमारे आराध्य हमारे ईश्वर से इस बात को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कान का साथ नहीं छोड़ा था। माँ दुर्गा से ही शुरू करती हूँ। माँ दुर्गा की किसी भी छवि को आप देखिएगा, माँ दुर्गा की मंद मंद मुस्कुराहट हम सभी को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। और हम माँ दुर्गा से आराधना करते हैं कि हमारा जीवन बेहद सुखी हो। इसी तरह से माँ सरस्वती जब अपनी वीणा पर राग छेड़ रही होती हैं, तो उनकी मंद मंद मुस्कुराहट हमें बोलती है कि तुम अपने ज्ञान को बढ़ाते जाओ, अपने ज्ञान से तुम पूरी दुनिया में एक नई धुन छेड़ दोगे और एक नया इतिहास रच दोगे। इसी तरह से माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हमें हर पल इसी बात के लिए प्रेरित करती है कि जब तुम मुस्कुराहट के साथ हर कदम पर आगे बढ़ते जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर ना केवल धन वर्षा होगी, बल्कि हर तरीके का खजाना तुम प्राप्त कर लोगे। क्योंकि केवल पैसा या धन ही धन नहीं होता, अच्छी तरह से स्वस्थ रहना एक सबसे बड़ा धन होता है। और जब तुम मुस्कुराहट के साथ हर काम को करोगे, तो हमारे जो अंदर के केमिकल्स होते हैं वो बहुत अधिक स्ट्रांग हो जाते हैं और हमें स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसी तरह से भगवान कृष्ण की मुस्कान तो जग जाहिर है। भगवान कृष्ण के बारे में तो दुर्योधन के शकुनी मामा कहा करते थे कि भांजे, मुस्कुराहट से बच कर रहना, ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर मार डालता है। तो मुस्कुराहट ऐसी ही होनी चाहिए कि चाहे हमारे सामने कितनी भी विकट परिस्थितियां हों, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, लेकिन मुस्कुराहट न केवल हमारा साहस बढ़ाए, बल्कि हमें आगे का मार्ग भी दिखाए। और यहाँ पर भगवान श्री राम को भला हम कैसे भूल सकते हैं। भगवान श्री राम ने हर मुश्किल और हर विकट परिस्थिति में मुस्कुराहट का दामन कभी नहीं छोड़ा था। उनके ऊपर एक से एक बुरी परिस्थितियां आई, लेकिन हर बार वो धैर्य के साथ जिस मुस्कान का परिचय देते थे, वही मुस्कान उनकी हर मुश्किल का समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी। और इसी तरह से लेस गिबलिन भी कहते हैं कि अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं, तो आप जीवन में ऐसे हो जाएंगे कि जिसके पास एक ब्लैंक चेक है, लेकिन वह उस चेक का सदुपयोगी नहीं कर रहा है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब हम ग्रुप में होते हैं या कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, तो हम फ्रेंड्स के साथ हमेशा मुस्कुराती हुई सेल्फी खींचते हैं। कभी हम कहते हैं कि चलो गुस्सा करते हैं और गुस्से में अपनी सेल्फी खींचते हैं, नहीं, क्योंकि हमें मालूम है क्रोधित करती हुई सेल्फी आकर्षित नहीं लगती। तो देखिए, जब हम अपने मोबाइल में भी क्रोध करती हुई इमेज को सेव नहीं कर सकते, तो अपनी लाइफ में भला हम क्रोध करती हुई अपनी इमेज को कैसे सेव करके रख सकते हैं। इसीलिए मुस्कुराहट को सदा सेव करके रखें। मुस्कुराहट एक ऐसा गहना है जिसके लिए हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। ये गहना बचपन से ही भगवान ने हम सभी को दिया है और हम बेहद सौभाग्यशाली हैं जो ईश्वर ने हमें मुस्कुराहट का ऐसा खूबसूरत तोहफा दिया है। क्योंकि इंसान के पास ही एक ऐसी ताकत है कि वो मुस्कुरा सकता है। तो आज से ही मुस्कुराहट को अपने जीवन का अंग बना लें और अपने हर कार्यों पर, अपनी हर बाधाओं पर विजय पा लें। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।